अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.2। और इससे पहले दो लेक्चर में हमने साइंथेटिक डिवीजन पढ़ा था, और उसके बाद एक क्वेश्चन मजीद और है उसमें, क्योंकि वहां आपको कह रहा है कंप्लीटिंग स्क्वायर और अदरवाइज जिस तरह आप कर सकते हो, तो उन इक्वेशन को। और आज जो हम पढ़ेंगे, इन दोनों इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक से कर सकते हैं, तो इसलिए मैं उन क्वेश्चन को यहां पर डिस्कस नहीं कर रहा। मैं डायरेक्ट कहा गया एक्सरसाइज 3.2 में, जिस तरह आप एक्सरसाइज 3.2 में डिफरेंट इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मदद से आप क्या करोगे, सॉरी एक क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे, इस तरह आप उन इक्वेशन को भी क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से सॉल्व कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर कि किस तरह हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से यूज सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो पहला सवाल तो नहायत ही आसान सा है कि 6x² - 5x - 4 = 0। जैसे कि आप जानते हो कि हियर जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, यानी कि एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है उसे हम कहते हैं ए, और जो x के साथ नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है उसे हम कहते हैं b, और जो लास्ट में हमारे पास कांस्टेंट बचेगा उसे हम क्या कहेंगे, c। तो यहां पर जो हमारा a है वो 6 के बराबर है, b -5 के बराबर है, और जो हमारा c है वो किसके बराबर है, -4 के। ठीक है, तो a b c की वैल्यू फाइंड करने के बाद हम लिखेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो वी नो दैट x -b √b² - 4ac/2a, ये हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला है। तो अब हमें क्या करना है, ए बी सी की जगह पर इन वैल्यूज को हम पुट करेंगे। तो जहां पर b है वहां पर हम पुट कर देंगे -5, a की जगह पर हम पुट कर देंगे 6, और c की जगह पर हम पुट कर देंगे -4, और a की जगह हम पुट कर देंगे 6। ठीक है, यानी कि जहां जहां पर ए है वहां वहां पर हम पुट करेंगे 6, बी की जगह पर -5 एंड सी की जगह पर -4। ठीक है, अब हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो माइनस माइनस हमारा क्या होगा, +5, -5 का स्क्वायर होता है 25। जब इन तीनों को आप मल्टीप्लाई करवाओगे, माइनस माइनस प्लस और 4 × 6 × 4, तो आपके पास ये बन जाएगा 96। तो 96 + 25 आपके पास बनता है 121, और जब 121 का आप स्क्वायर रूट फाइंड करोगे तो ये आपके पास आएगा 11, यानी कि x = 5 + −11/12। अब जानते हो जो प्लस माइनस एक साथ आता है तो आप कर दो आइदर और, तो इट मीन्स आइदर, यानी कि एक बार मैं प्लस के साथ लिखूंगा x = 5 + 11/12, 5 + 11 हमारे पास होता है 16, और 16 और 12 को आप 4 के टेबल से कैंसिल कर दो, तो 4 × 4 होता है 16, और 4 × 3 आपके पास कितना होता है 12। तो इस तरह जो एक आंसर आ गया आपके पास वो कितना आ गया, 4/3। अब एक आइदर है और उसके बाद क्या है, और है, यानी कि एक बार हमने प्लस के साथ दिखा था, अब हम क्या करेंगे, माइनस के साथ दिखेंगे, यानी कि 5 − 11/12। जब 5 में से आप 11 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो -6, अब 6 के टेबल से कैंसिल कर दो, तो 6 × 1 = 6, और 6 × 2 हमारे पास कितना होता है 12, यानी कि इसका आंसर हमारे पास क्या बन जाएगा, x = −1/2। इस तरह हमारे पास दो आंसर है, एक −1/2, एक 4/3। तो आखिर में हम क्या करेंगे, हैंस द सॉल्यूशन सेट इज −1/2, 4/3। आप किसी भी नंबर को आगे पीछे लिख सकते हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इस बात का आपको ख्याल रखना है कि जब आप ये दो नंबर लिखोगे तो आपको जो ब्रैकेट यूज करना है वो आपको मिडिल ब्रैकेट यूज करेंगे। ठीक है, आप यहाँ पर राउंड ब्रैकेट यूज नहीं करोगे, तो जस्ट कर्ली ब्रैकेट आप यहाँ पर क्या करोगे यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 1/3 p² - 1/2 p + 1 = 0। अब सबसे पहले इसे हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्म में, वैसे आप यहाँ पर डायरेक्ट भी पिक कर सकते हो कि a को आप 1/3 ले सकते हो, b आप −1/2 ले सकते हो, और c आप 1 ले सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ सिंप्लीफाई करके आसान फॉर्म कर लूंगा
यानी कि सबसे पहले यहां पर एलसीएम लूंगा, तो आप जानते हो 3 मल्टीप्लाई 2 6, डिनोमिनेटर में हमारा क्या आएगा 6 आएगा, तो यहां पर चूंकि 3 है तो जस्ट इसके कोएफिशिएंट से कौन मल्टीप्लाई होगा 2, यहां पर 2 है तो उसके कोएफिशिएंट से कौन मल्टीप्लाई होगा 3, और यहां पर हमारे पास कौन से मल्टीप्लाई होगा 6, तो ये बन जाएगा 2p स्क्वायर माइनस 3p प्लस 6, या जिस तरह आपको एलसीएम लेने आता है आप इसका एलसीएम लेके इस तरह सिंप्लीफाई कर लोगे, ठीक है। जस्ट मैंने यहां पर क्या किया है, एलसीएम लिया है। अब आपका देखो यहां पर 6 डिवाइड में है, जब 6 को आप राइट साइड पर लेके जाओगे तो जब ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 हमारा क्या होगा, खत्म हो जाएगा, तो जस्ट हमारे पास क्या बचेगा 2p स्क्वायर माइनस 3p प्लस 6 इक्वल टू 0। अगेन आप जानते हो पी स्क्वायर के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ए हमारा 2 के बराबर है, पी के साथ माइनस 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो बी हमारा माइनस 3 के बराबर है, और लास्ट में क्या है 6। तो हेयर ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू माइनस 3 एंड सी इक्वल टू 6। अगेन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो वी नो दैट अभी मैं जैसे आपको बताया था कि माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a, ए की जगह पर हमने 2 पुट किया, बी की जगह पर माइनस 3 और सी की जगह पर हमने 6 पुट किया, और फिर हमारे पास बेसिक सिंप्लीफाई है 9 माइनस 3 स्क्वायर 9, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 48, और फिर 9 माइनस 48 हमारे पास होता है माइनस 39। अब आप ये बात जानते हो कि जब कभी भी स्क्वायर रूट में माइनस साइन आता है तो स्क्वायर रूट से माइनस साइन को हटाने के लिए क्यों हटाएंगे, जो कि अगर आप कैलकुलेटर में लिखते हो डायरेक्ट स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 39 तो आपको मैथ एरर दे रहा होगा, तो स्क्वायर रूट से माइनस साइन को हटाने के लिए हम माइनस साइन हटा के स्क्वायर रूट के बाहर हम क्या लेते हैं आयोटा, ठीक है। तो आयोटा कब आता है, जब कभी भी स्क्वायर रूट में माइनस साइन आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट से माइनस साइन को हटाकर बाहर हम लेंगे आयोटा, ठीक है। अब चूंकि 39 का रूट ब्रेक नहीं होता तो इसको हम डायरेक्ट वैसे ही क्या करेंगे, आइदर और, यानी कि एक बार प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ, तो इस तरह ये हमारा क्या बनेगा आंसर, इसका हम क्या बना देंगे सॉल्यूशन सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 के एल एक्स स्क्वायर प्लस एल प्लस एम इंटू एक्स प्लस एम इक्वल टू 0। अब आपको दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर के साथ कौन मल्टीप्लाई हो रहा है एल, एक्स के साथ कौन मल्टीप्लाई हो रहा है एल प्लस एम, और लास्ट में कॉन्स्टेंट हमारा क्या है एम, तो हियर ए इक्वल टू 1 सॉरी ए इक्वल टू एल, ठीक है ये 1 नहीं बेसिकली क्या है एल है, बी इक्वल टू एल प्लस एम एन सी इक्वल टू एम, ठीक है। अगेन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, यानी कि अब जहां जहां पर बी है वहां पर हमने पुट किया एल प्लस एम, और जहां पर ए है वहां पर एल, और जहां पर सी है वहां पर हमने क्या पुट कर दिया एम, जैसे आपको दिख रहा है कि बी की जगह पर हमने क्या पुट किया एल प्लस एम, ठीक है, ए की जगह पर हमने एल पुट किया और सी की जगह हमने क्या किया एम पुट किया। अब सिंप्लीफाई करना है हमें, तो यहां पर आपको दिख रहा है कि एल प्लस एम का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज हो रहा है इस जगह पर, तो यहां पर हम क्या करेंगे फॉर्मूला यूज करेंगे, अब जानते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या बन जाएगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 2lm, और यहां पर हमारे पास क्या होगा माइनस 4lm। अब आप देखें प्लस 2lm माइनस 4lm जिसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे या एड करोगे तो प्लस 2 माइनस 4 आपके पास क्या होता है माइनस 2lm, ठीक है। अच्छा एक स्टेप मैंने और मदद यहां कर दिया है, वैसे आप डायरेक्ट भी यहां पर कर सकते हो, ठीक है, मतलब डायरेक्ट ही करना है यहां पर, एक स्टेप आप समझ लो कि आपके पास एक्स्ट्रा आ गया है, ठीक। अच्छा तो प्लस 2lm माइनस 4lm आपके पास क्या बन जाएगा माइनस का 2lm। अगेन आप अगर इस तीन टर्म को देखो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस 2lm को, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हमारे पास बन रहा है फार्मूला, कौन सा फार्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला, ठीक है। तो इसको मैं दोबारा लिख सकता हूँ l माइनस एम का होल स्क्वायर, तो इस तरह स्क्वायर से रूट आपका क्या होगा कैंसिल, तो आपके पास क्या बन जाएगा l माइनस एम। अब हम क्या करेंगे आदर और, यानी कि एक बार प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ, ठीक है। तो हमने एक बार प्लस के साथ लिखा तो यहां से प्लस एल और माइनस एल क्या हो गया कैंसिल, माइनस एम आपके पास होगा माइनस का 2m, तो आपका 2 से 2 भी क्या होगा कैंसिल, तो आंसर क्या आएगा आपके पास माइनस एम बाय एल। इसी तरह और में आप क्या करोगे माइनस के साथ लिखोगे, चूंकि माइनस है तो माइनस के बाद हम क्या लगाते हैं ब्रैकेट,
अब जो आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो हमारे पास क्या बनेगा, माइनस एल माइनस माइनस प्लस एम, तो एम से पॉजिटिव एम नेगेटिव एम हमारा क्या होगा कैंसिल, माइनस एल हमारे पास क्या होगा माइनस का टू एल। अब आप दिख रहा है कि टू एल से टू एल आपका कंप्लीट कैंसिल हो रहा है तो आंसर क्या आएगा माइनस वन। अब आप आखिर में क्या करोगे इसका सॉल्यूशन सेट बना दोगे यानी कि माइनस वन कॉमा माइनस एम अपॉन एल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 16y² + 25 = 0, ये भी बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। बस एक चीज यहां पर हमें दिख रहा था कि जैसे हमारे पास दो टर्म है 16y² + 25 यानी कि y टर्म मिस है, तो जो टर्म मिस होता है अगर आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व करना है तो क्वाड्रेटिक फार्मूला के लिए आपके पास लाजमी तीन टर्म होने चाहिए ए बी एंड सी वाले, ठीक है। तो जो टर्म नहीं होंगे उसको हम क्या करेंगे जीरो के साथ लिखेंगे, इसलिए मैंने यहां पर क्या किया जीरो वाई क्या है। अब आपको लिख रहा है कि a बराबर है 16 के, b बराबर है 0 के एंड c बराबर है आपका किसके 25 के, ठीक। बाकी अब आप इसको मजीद आसानी से कर सकते हो, जस्ट a की जगह पर आप 16 पुट करोगे, b की जगह पर 0 और c की जगह पर 25। जैसे आपको दिख रहा है कि यहां पर माइनस साइन है तो माइनस साइन का मतलब हम बाहर क्या लेंगे आयोटा, तो 1600 का आप क्या करो रूट निकाल लो तो क्या आता है 40, यानी कि इसका आंसर क्या आ गया, एक बार प्लस के साथ लिख दो और एक बार आप क्या करो माइनस के साथ और फिर कैंसिल कर दो, ठीक है। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है उसको हम देखेंगे बहुत ध्यान से, आज का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास 3/(x-1)(x+3)=1/(x+2)+1/(x+1), ठीक है। इसको भी हमें सॉल्व करना है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो सबसे पहले हम यहां पर क्या करेंगे इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और कन्वर्ट करने के बाद फिर हम क्या करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की मदद से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको दिख रहा है कि लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड पर आपको क्या करना है एलसीएम लेना है, तो एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने के सबसे पहले हम जानते हैं दोनों को हम मल्टीप्लाई करवाते हैं दोनों डिनोमिनेटर को और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं। सेम काम हमने राइट साइड पे किया, दोनों डिनोमिनेटर को हमने आपस में मल्टीप्लाई करवाया और फिर हमने क्या किया क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। अब सिंप्लीफाई करते हैं तो 3x 3 × 3 हमारे पास क्या होगा 9, माइनस का x वैसे ही रहेगा, डिनोमेटर में मल्टीप्लाई करवाएंगे x मल्टीप्लाई x हमारे पास क्या हो जाएगा x² और x को जो आप 3 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपके पास क्या बनेगा 3x। यहाँ x + x आपके पास क्या हो जाएगा 2x और +1 + 2 आपके पास क्या बनेगा +3। डिनोमेटर में आपको मल्टीप्लाई करवाना है, सबसे पहले आप x को सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाओगे तो x मल्टीप्लाई x क्या बनेगा x² x मल्टीप्लाई 1 x क्या होता है x, 2 मल्टीप्लाई x आपके पास क्या बनेगा 2x और 2 मल्टीप्लाई 1 आपके पास क्या होगा 2। इसी तरह आपको जो मजीद ऐड हो रहा है उसको आप ऐड करो तो आपको दिख रहा है कि यहां पर इनिशियली कि 3x और माइनस x आपके पास क्या होगा 2x प्लस 9 वैसे ही रहेगा, यहां पर कुछ ऐड नहीं हो रहा तो x² + 3x वैसे ही रहेगा आपके पास। सिमिलरली इस जगह पर आप ऐड कर सकते हो इन दोनों को तो x + 2x आपके पास क्या बन जाएगा 3x। अब मजीद यहां पर हम कुछ ऐड वगैरह नहीं कर सकते तो अब हम यहां पर क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि फ्रैक्शन को खत्म कर लेंगे, तो 2x + 9 × x² + 3x + 2 = 2x + 3 × x² + 3x, ठीक है। हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, अब आपको मल्टीप्लाई करवाना है तो इस ब्रैकेट को हम पहले मल्टीप्लाई करवाएंगे, सबसे पहले 2x को इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर 9 को हम क्या करेंगे इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करवाएंगे। सिमिलरली राइट साइड पर 2x को हम क्या करेंगे इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाएंगे और फिर +3 को हम क्या करेंगे इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई। तो किस तरह देखते हैं तो यहां मैंने सबसे पहले 2x को मल्टीप्लाई करवाया, 2x³ हो जाएगा, 2 × 3 = 6x² हो जाएगा, 2 × 2 हमारे पास क्या बनेगा 4x। इसी तरह जब 9 की बारी आएगी तो सिंबल मैंने यहां पर क्या करवाया मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करवाने के बाद अब जो ऐड हो रहा है उसको आप ऐड कर दें तो यहां पर 2x³ और 2x³ दोनों साइड क्या था सेम, तो इसे हम क्या कर सकते हैं कैंसिल, यानी कि 2x³ से 2x³ हमारा क्या हो गया कैंसिल हो गया, ठीक है। इसी तरह आपके पास 6x² और 6x² आपका क्या हो गया कैंसिल, अगर डिनोमिनेटर के बोथ साइड सेम चीज हो तो उसे हम कैंसिल कर सकते हैं। अब जो टर्म बच रहा है उसको आप लिख दें तो यहां पर क्या बचा 9x² हमने लिख दिया
27x प्लस 4x आपके पास कितना बनता है 31x, प्लस का 18 वैसे ही आएगा, यहाँ पर 3x स्क्वायर बचा और 9x बच गया, ठीक है। अब आप इन दोनों टर्म को लेफ्ट साइड पर ले जाओ तो हमारे पास क्या बनेगा, 9x स्क्वायर, ये प्लस का 3x स्क्वायर जब लेफ्ट साइड पर आएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर, प्लस 31x, ये प्लस का 9x जब लेफ्ट साइड पर आएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का 9x, और प्लस 18 इक्वल टू 0। 9 माइनस 3 आपके पास बनता है 6x स्क्वायर, 31 माइनस 9 आपके पास बनता है 22, और लास्ट में क्या है 18 इक्वल टू 0। इन दोनों में आपके पास 2 कॉमन है तो आप 2 कॉमन निकाल लो, तो 2 मल्टीप्लाई 3 6, 2 मल्टीप्लाई 11 22, और 2 मल्टीप्लाई 9 कितना होता है 18, 2 मल्टीप्लाई में जब ये राइट साइड में जाएगा तो 0 से डिवाइड होकर खत्म हो जाएगा, तो आपके पास जिस क्या बचेगा 3x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 9 इक्वल टू 0। अब आप जानते हो यहां से कि आपका a बराबर है 3 के, b बराबर है 11 के, और c किसके बराबर है 9 के, तो बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब आप क्या करोगे, जस्ट इन सारे वैल्यू को पुट करोगे, और पुट करने के बाद फिर आप दिख रहे हैं आपको बेसिक सिंप्लीफिकेशन है, 11 का स्क्वायर होता है 121, और जब इन तीनों को आप मल्टीप्लाई करवाओगे तो बनता है 108, उसके 121 माइनस 108 होता है 13, चूंकि 13 का रूट ब्रेक नहीं होता तो उसको हम डायरेक्ट क्या करेंगे, आइदर और, यानी कि एक बार हम प्लस के साथ लिख देंगे और एक बार हम क्या करेंगे माइनस के साथ लिख देंगे, तो हेंस द सॉल्यूशन सेट इज आपके पास, ये आपका क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन सेट। तो उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।